अब इसमें से कोई भी कनेक्ट करा के इंटरनेट आप लोग आसानी से यूज कर सकते हैं, और पासवर्ड जो है अलग अलग सब में आप रख सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोगों को नाम कंफर्म करा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है 2.4 GHz का नाम जो है आप लोगों को वापस से चेक कर लें, ये रहा। और SSID जो है 2 का नाम जो है 100 MBPS। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो एयरटेल एक्सट्रीम यूज करते हैं, और वो चाहते हैं क्या कि उनके राउटर से जो है 8 वाईफाई का नेटवर्क जो है क्रिएट हो सके। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल ही सही सुना है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बतलाने वाला हूँ जिससे कि आप अपने एक राउटर से सिंगल, जो कि मैं ZTE का राउटर यूज कर रहा हूँ, उस पर मैं आप लोगों को दिखलाने वाला हूँ कि उस राउटर से आप वाईफाई का 8 नेटवर्क को जो है इनेबल कर सकते हैं और एक साथ यूज कर सकते हैं 8 नेटवर्क को, और स्टेप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और अभी जो ये PC जो है मेरा लैन केबल से कनेक्टेड है एयरटेल एक्सट्रीम के राउटर से, तो गूगल क्रोम में ओपन कर रहा हूँ। इसमें एड्रेस आप लोगों को टाइप करना है 192.168.1.1। इस पेज को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है आप लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। यूजर नेम में एडमिन डालना है, वो भी स्मॉल लेटर्स में, और जो है पासवर्ड भी एडमिन ही डालना है आप लोगों को। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप लोगों को करने क्या है दोस्तों, लोकल नेटवर्क में आ जाना है। उसका WLAN यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को करने क्या है, WLAN SSID कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर देना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद पहले तो मैं आप लोग को इसको, आप दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि WLAN SSID कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर टोटल 8 नेटवर्क देखने को मिल जाता है, जिसमें जो है 2.4 GHz का 4 है और 5 GHz का भी जो है 4 नेटवर्क देखने को मिल जाता है। टोटल 8 नेटवर्क को जो है आप लोग इस राउटर से जो है इनेबल कर सकते हैं। आप लोग करेंटली देख सकते हैं कि SSID 1 जो है 2.4 GHz वो ऑन है, और SSID 5 जो है 5 GHz का वो ऑन है। दोनों का पहला नंबर जो है 2.4 GHz का पहला नंबर और 5 GHz का पहला नंबर ऑन है। अगर दोस्तों मैं आप लोग को पहले तो यहाँ पर दिखला देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इतना जो है नेटवर्क देखने को मिल जाता है अभी। और मैं कर क्या रहा हूँ आप लोगों को, इसमें से कोई एक नेटवर्क को जो है मैं ऑन करके दिखलाता हूँ। 2.4 GHz को मैं एक करता हूँ क्या, ऑन कर देता हूँ, जिसका नाम जो है SSID, मैंने इसका नाम रखा हुआ है क्योंकि दोस्तों मैंने इसे ऑफिस में लगा रखा है, तो मुझे कभी कभी जरूरी ऐसे पड़ता है कि इस नेटवर्क को जो है शेयर करने का, क्योंकि जो पर्सनल 2.4 GHz और 5 GHz है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, या फिर मेरे फैमिली मेम्बर जो यूज करते हैं, तो उसका जो है पासवर्ड हम लोग जो है किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। कभी भी कोई ऐसा अगर जो है एक्स्ट्रा लोग जो है मांग देते हैं, तो करते क्या है कि इसी का जो एक SSID जो होता है उसे हम लोग जो है शेयर कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, और उसका पासवर्ड जो है नॉर्मली बता देते हैं, और बाद में जब काम हो जाता है तो उसे जो है डिजेबल कर देते हैं। तो करना क्या आप लोग को, इसको ऑन पे क्लिक करना है। इसका अगर जो है सेव्ड पासवर्ड देखना चाहते हैं तो इसे ये जो आई बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करके आप लोग जो है इसका पासवर्ड भी जो है देख सकते हैं। तो मैं इसे वापस से हटा रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, और कर क्या रहा हूँ कि 5 GHz जो है SSID 6 इसे भी मैं ऑन कर देता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, और इसका नाम भी मैं आप लोग को दिखला देता हूँ, इसका 250 MBPS। तो आप लोग को टोटली यहाँ पे दिख रहा होगा कि 4 नेटवर्क को जो है मैंने ऑन किया हुआ है अभी करेंटली एक सिंगल राउटर से, और आप लोग को मैं लिस्ट भी दिखाऊंगा चेक करके कि टोटल डिवाइस का लिस्ट जो है यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा, और सारा जो है प्रॉपर वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि 8 अगर आप लोग ऑन कर देते हैं तो वो जो है प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, बढ़िया से वर्क करता है राउटर जो है दोस्तों, सपोर्टेड है, उसके बाद ही एयरटेल जो है वो इस तरीके का आप लोग को सर्विस दे रहा है। तो अब जो है ये ऑन हो चुका है, मैं कर कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ और वाईफाई देख लेते हैं कि कितना डिवाइस का लिस्ट आ चुका है। दोस्तों आप लोग अभी ये करेंटली देख सकते हैं कि टोटल 4 वाईफाई जो है इस सेम राउटर से, सिंगल राउटर से आ चुका है। 4 ऑन है यहाँ पे और 4 यहाँ पे है। अब इसमें से कोई भी कनेक्ट करा के इंटरनेट आप लोग आसानी से यूज कर सकते हैं, और पासवर्ड जो है अलग अलग सब में आप रख सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोगों को नाम कन्फर्म करा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है 2.4 GHz का नाम जो है आप लोग वापस से चेक कर लें, ये रहा। और SSID जो है 2 का नाम जो है 100 MBPS है, वो ये रहा। और 5 GHz का एक का नाम है 5G करके, और एक है 250 MBPS। आप लोग नाम जो है कंफर्म कर सकते हैं।
जितना भी दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ वो खुद पर्सनली पहले मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद ही आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूँ, ताकि दोस्तों आप लोगों को भी जो कन्फ्यूजन ना रहे, मुझे जो बताने में सुविधा हो, क्योंकि मैं इससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ तभी आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ। और जो ये आप लोगों को दिख रहा होगा धर्म जियो फाइबर करके, ये दोस्तों मैंने नीचे लगाया हुआ है। तो दोस्तों मैं अभी करेंटली जो वीडियो बना रहा हूँ वो ऑफिस में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, और दोस्तों नीचे जो एक सही से कवरेज नहीं रहता है, इसलिए मैंने ब्रिज कनेक्शन करके दो और राउटर लगाया हुआ है। एक जो है राउटर जस्ट नीचे लगा हुआ है रूम में, एक थोड़ा जो है दूर लगा हुआ है, वो अंकल के लिए जो है कनेक्शन मैंने दिया हुआ है। टोटल जो है 200 Mbps के कनेक्शन पे सही चल जाता है, मतलब तीन राउटर जो है आसानी से चला लेता हूँ मैं, और स्पीड वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हैं सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग जो है 8 जो है नेटवर्क को ऑन कर सकते हैं, अप टू 8 नेटवर्क बोल सकते हैं इसे। अगर आप लोगों को जरूरी है 3-4 तो 3-4 ऑन करके आराम से यूज कर सकते हैं टेंशन फ्री। इनेबल करने का ऑप्शन जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी है, और मैं आप लोग करके रहा हूँ, इसे डिजेबल भी करके दिखला देता हूँ एक बार, क्योंकि करंटली जो है मुझे अभी तो इसका यूज नहीं है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखलाता हूँ कि जो है कुछ देर में सारा डिवाइस का लिस्ट जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। अभी मैंने जस्ट बंद किया है, तो मैं एक बार करके रहा हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ। वापस से लॉग इन करके देख लेते हैं। देख सकते हैं कि लॉगिन हो चुका है वापस से। वापस से आ रहा हूँ मैं लोकल नेटवर्क पे WLAN और WLAN SSID कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो है दो ही ऑन है, आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से कि जो मैंने ऑन किया था बाद में उसे मैंने डिजेबल कर दिया था, वो सेटिंग अप्लाई हो चुका है। तो मैं लॉग आउट कर देता हूँ और यहाँ पर जो है लिस्ट चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि जो मैंने एक्स्ट्रा ऑन किया था, इनेबल किया था, वो जो है डिजेबल हो चुका है। और दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी जो है सही डालने पे भी ये नहीं लेता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कीबोर्ड से इंटर नहीं करना है, मैन्युअली जो है लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करना है। इससे होता है कि ये हो सकता है कि पासवर्ड एक बार गलत डाला जाए तो वो जो है बार बार एंटर करने से दिक्कत दे देता है। अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा एक सिंगल राउटर का यूज करके आप लोग जो है 8 वाईफाई का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इससे जो है राउटर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल ही यूज कर सकते हैं। ये एक फीचर दिया गया है जो कि ZTE की तरफ से दिया गया है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 4 नेटवर्क वो 2.4 GHz का रहता है और 4 जो है 5 GHz का रहता है, तो टोटल 8 नेटवर्क जो है सपोर्ट करता है और बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि पर्सनल जो वो वाईफाई यूज करते हैं नेटवर्क, वो उनका पासवर्ड जो वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा पासवर्ड रहता है जो कि वो शेयर करना सही नहीं समझते हैं, तो उन लोगों के लिए खास कर जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि फेसबुक या फिर जो है जीमेल वगैरह का पासवर्ड सिमिलर रखते हैं, इस कारण से भी वो लोग जो है पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहते हैं अपने वाईफाई का। तो इस प्रोसेस से आप लोग कर क्या सकते हैं कि एक और एक्स्ट्रा वाईफाई का नेटवर्क को जो है इनेबल कर सकते हैं और उसका जो है कोई सिंपल पासवर्ड देके रख सकते हैं जो कि थर्ड पार्टी कोई भी पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में और भी वीडियोस देखना चाहते हैं इस तरीके के तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक इट होम।